क्या डालेंगे? इसमें अच्छे से पानी डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है, ताकि इसको हम अच्छे से बना सके। देख रहे हैं हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका हम गोना कर लेंगे। आप देखिए आटा कितने अच्छे से सॉफ्ट सा हो गया है, ना ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। देखिए हमने गोना कर लिया है, गोना कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम आलू का मसाला फिल करेंगे। हमारा आलू कंप्लीटली मिक्स हो गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे। अब हम आलू का मसाला बनाएंगे। पहले थोड़ा तेल डालेंगे, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउन हो गया है। अब इसमें नमक डालेंगे। कंप्लीट ब्राउन हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। कंप्लीट होने वाला है। मैं आलू डालेंगे, अब आलू को मसाला के साथ फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स करके। हमारा मसाला अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। चलिए अब इसको फिल करते हैं। देख रहे हैं हमारा आलू का मसाला ठंडा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा खट्टा करेंगे ताकि और टेस्टी हो सके। इसमें हम आम का थोड़ा सा मसाला मिलाएंगे। मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा और मसाला डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। आलू का पराठा जितना थोड़ा खट्टा हो उतना अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गोने को आटा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको गोल गोल करेंगे ताकि इसमें आलू का मसाला अच्छे से भर सके। आप देख रहे हैं साइड साइड से पतला करना है और बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है। अब इसमें आलू का मसाला भरेंगे। अच्छे से मसाला भर दिया है हमने इसमें। अच्छे से हमने गोले में मसाला भर लिया है। इसका मुंह अच्छे से बंद कर देंगे ताकि बेलने टाइम आलू बाहर ना निकले। अच्छे से हमने फिल कर दिया है। इसको अच्छे से आटे में मिलाएंगे, थोड़ा इसको फैलाएंगे ताकि अच्छे से ये हम इसको बेल सके। आप देख रहे हैं कितना स्मूथली ये हो रहा है। अच्छे से देखिए कितना स्मूथली और गोल गोल बन रहा है। और आप देख रहे हैं साइड से आलू बिल्कुल नहीं निकल रहा है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया बेलना। गैस को नॉर्मल फ्लेम में रखेंगे, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, मीडियम फ्लेम में रखेंगे। अब हम पराठा को तवा पे रख दिए हैं, इसको 2 मिनट तक पकने देंगे, फिर इसको पलटाएंगे। देख रहे हैं हमारा रोटी थोड़ा सा पक गया है, इसको पलटाएंगे। आप देख रहे हैं साइड पक गया है। अब हम अच्छे से इसमें घी लगाएंगे। अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी डालेंगे अच्छे से ये पक सके और टेस्टी भी लगे।
साइड भी अच्छे से घी लगाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा कितना अच्छे से पका है, पराठा कितने सही से पक रहा है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से फूला है हमारा आलू पराठा। देखिए Thank you.